وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

हमने आपको कुरान शरीफ़ की दो आयतों का इशारा दिया है इन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ़ में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है नाज़रीन ये बात आपसे हमसे या किसी भी इंसान से मख्फी नहीं है कि समाज की बुनियाद घर से होती है और घर की बुनियाद वालिदैन से होती है हमारे ख़ानदान और हमारे घर की बुनियाद हमारे वालिदैन होते हैं अगर घर में उनकी इज्जत है एहतराम है खिदमत है तो ये घर वाले बरकत वाले हैं उल्फत वाले हैं इस्लामी तालीमात को फॉलो करने वाले हैं और अगर वालिदैन की खिदमत नहीं की जा रही है बेतवजहि से उनको पामाल किया जा रहा है उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखा जाता उनकी ज़रूरतों की तरफ कोई तवज्जा नहीं होती बेटों का बहुओं का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं होता तो ये घर फसाद का पेश ख़ैमा होते और अल्लाह रबुल्ज़त की नाराज़गी में ज़िंदगी बसर करने वाले कहलाते क़ुरान हकीम ने हमें अपनी इबादत के बाद अल्लाह इज्जत ने वालदे का ख्याल रखने उनका हुक्म मानने उनकी खिदमत करने उनकी ज़रूरियात को पूरा करने इन तमाम चीज़ों का हुक्म दिया है व कज़ा रबू का अल्ला तब्दू अबिलवालदेन एहसान यहाँ व कजा रबू का सारे मुफसरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कज़ा बमने अमारा है तेरे रब ने यह हुक्म दिया है कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह रबुलजत की कर और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहरा और वालदेन के साथ एहसान से पेश आ ये अम्र है हुक्म है वाजिब है ज़रूरी है लाजिम है अगर वालदे खुश हैं तो अल्लाह भी खुश है और वालदे नाराज़ हैं तो अल्लाह भी नाराज़ है वालदेन को नाराज़ करके अल्लाह को खुश करने की बात सोचना महज गलत फहमी है महज गलत फहमी है महज गलत फहमी है। हमारा समाज आज जिस रविश पर चल रहा है जिस सूरत हाल से दो चार है अगर यूँ कहा जाए कि वालिदैन अजियतों तकलीफ़ों परेशानियों से कराह रहे हैं बेतवजह का शिकार हैं अपने बच्चों की शिकायतें उनकी ज़ुबान पर जारी हैं तो ये मुबालगा नहीं है बल्कि सौ फ़ीसद हकीकत है हमारे समाज में सबसे ज़्यादा बुरी हालत वालिदैन की है इल्ला माशा समाज में ऐसे लोग भी हैं आज भी जो अपने मुकाबले में अपने वालिदैन का ज़्यादा ख्याल रखते हैं उनकी ख़िदमत करके अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं उनकी खदमत करके खुश होते हैं उनकी खिदमत को अपने लिए जरिए निजात जानते हैं उनकी खिदमत करके अपनी नेकियों में इजाफा करते हैं अदब व एहतराम से पेश आते हैं अदब व एहतराम से उनका नाम लेते हैं और उनकी इज्जत को हर एक बात पर मुकदम रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को अपनी रजामंदियों से नवाजे उनके घरों को माल व दौलत से भरे और उन लोगों को सेहत व अता करे ऐसे लोगों की तमाम जाए ज़रूरतें परवरदिगार अपने खजाने गैब से पूरी फरमाए हकीकत में हमारे समाज का ये निहायत ही ऊंचा तबका है ऊंचा तबका का मतलब यह नहीं है कि वो कोठियों में बिल्डिंगों में जमाने के बेहतरीन साजो सामान और डेकोरेशन के साथ रहते हैं नहीं ये डेकोरेशन ये साजो सामान ये आसाइशें, ये आरशें अगर वालदेन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो सब महज बेकार बिला जरूरत वाल जान आखिरत में बाज पुरुष और इम्तहान का सबब दुनिया में वक्ती शोहरत के लिए वक्ती आसाइश के लिए इन चीजों पर हम ज्यादा तोज्जा दें और वालदेन को नज़रअंदाज कर दें ये हमारी भूल है हमाकत है और बेवकूफ़ी है जिन घरों में वालदे के साथ अच्छा सलूक नहीं होता अल्लाह की रहमतें उन घरों पर नहीं उतरती और अगर किसी घर में वालदेन हैं और उनको सताया जा रहा है और घर वाले ऐशवा आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आजमाइश है अल्लाह इज़्ज़त की उसने रस्सी ढीली छोड़ी है जब टाइट करेगा तो मौका नहीं देगा समझने का ऐसे लोग सुधर रसूल ने अपनी जिंदगी में वालिदैन के सिलसिले में बेशुमार बेशुमारदीस इरशाद फरमाई और खुद आपका रवैया निहायत ही बेहतर अच्छा और खुश अखलाकी खुश रुई और खुश कलमी पर मुनसर था रसूल अक्रम सल्हलम ने अपनी वालदा बचपन ही में खो दी थी लेकिन जिन माँओं का आपने दूध पिया था जो आपकी रज़ाई माँ थीं वो जिंदा थी। बहुत सारे वाक़ महदसिन कराम ने सीरत नगारों ने लिखे हैं एक वाक़ यूँ लिखा कि एक बार रसूल अक्रम सब कराम के साथ बैठे हुए थे अचानक एक खातून बूढ़ी खातून इस दरबार में हाजिर हुई उन्होंने आकर सलाम किया रसूल अकरम की नजर करम उठी देखा आप खड़े हुए अपनी चादर मुबारक बिछा दी कहा के बैठिए कुछ देर वो आपके कान से मुंह लगाकर कुछ बात करती रही हल्के हल्के चुपके चुपके दीगर साहब क़राम को पता नहीं चला उन्होंने क्या कहा आपने क्या थोड़ी देर तक वो बात करती रही और फिर उसके बाद चली गई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उठाई और अपने कंधे पर डाली की तरफ नजर डाली तो आपको लगा कि हर एक चेहरा एक सवाल बना हुआ है हर एक की नजरें वह पूछ रही है क्या मामला था ये कौन थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो फरमाया ये मेरी वालदा थी अपनी एक ज़रूरत के तहत आई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस प्यार से मामता से अदब से एहतराम से उनका स्वागत किया उनकी खिदमत फरमाई उनकी बात सुनी हमारे लिए इसमें काफ़ी सबक है आज हम क्या करते हैं अगर हमारी वालिदा आ जाए और हम कुछ लोगों में बैठे हुए हाँ जाओ सुन लूंगा अरे क्या करें जाओ आने नहीं देते उनको जुबान नहीं खोलने देते हमें लगता है कि हमारी तोहिन हुई जा रही है क्यों हमारी मां बूढ़ी हो गई ना उनको देख कर दोस्ता अब आप क्या कहेंगे हाय हाय कैसी खराब सोच हो गई है हमारी अगर ऐसे में हमारी वालदा आ जाए तो हमें तो उठ कर खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि इस्तकबाल है आपका अम्मी कैसी आई बल्कि हमें तो आना ही ना गवार गुजरता है उनका बाज़ लोगों को ज़रूर होता है कपड़े ठीक ठाक नहीं पहने हैं तो भाई कपड़े जैसे आप दोगे वैसे ना पहनेंगे जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं उम्र हो गई है उनकी अब यही तरीका है उनका आप अगर अपने आप को सुपर तरक्की याफ्ता एजुकेटेड जहीन फहीम आला मियार का जो समझ रहे हैं बनाए हुए हैं तो क्या इन तमाम चीजों में इस बूढ़ी माँ का कोई हिस्सा नहीं है इसका बड़ा योगदान है इसकी तवज के बगैर आप इस दर्जे पर इस रुतबे पर इस मनसब पर नहीं पहुंचे हैं तो बजाय इसके कि उसका एहतराफ करें उसका शुक्रिया अदा करें उसका एहसान माने उनको डांटे डपटे कह जाओ शाम को बात कर लेंगे चली आती है ये तरीका सही नहीं है बहुत बुरा तरीका है यहां देखो रसूल अक्रम बैठे हुए हैं अपने सहाबा के राम के दरमियान और एक नित ही बूढ़ी खातून आ जाती है कोई नहीं पहचानता इनमें से रसूल अक्रम उनके लिए अपनी चादर बिछा देते ये चादर वो है बड़े से बड़े किसी मुल्क के सरबराह के लिए कभी नहीं बिछी ये चादर वो है के लोग तमन्ना करते हैं कि इसका एक कोना ही हमारे ऊपर पड़ जाए चादर नहीं है यह आलमीन की मुरसलीन की चादर है लेकिन आज कांधे से उतर के जमीन पर बिछ गई है और उस बूढ़ी खातून को उस पर बिठाया जा रहा है बड़े से बड़े सरबराह को अमीर को फौजी को किसी ममलिकत के बड़े से बड़े उहदेदार को आज तक रसूल क्रम के दरबार में ये इज़्ज़त नहीं मिली जो इस खातून के लिए मिली है और सबसे बेखबर होके किसी की परवाह किए बग़ैर पूरी तवज्जह रसूल अलैहि वसल्लम इस खातून की तरफ दे देते और जब वो चली जाती हैं चादर उठा लेते हैं आप सबक करम सवाल उनके चेहरों से ज़ाहिर हो रहा है तो बतलाते हैं कि मेरी अम्मी थी बचपन में मैंने इनका दूध पिया था अरे आप तो कह सकते थे कोई बेचारी बूढ़ी औरत थी छुपा लेते कि मेरी माँ है लेकिन छुपाया नहीं फख्र से बताया मेरी माँ है इसीलिए चादर बिछाई इसीलिए कान लगाकर उनकी बात सुनी पूरा एहतराम पूरी इज्जत ये तरीका था रसूल मोहतरम अलैहि वसल्लम का एक हदीस जिसको हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्लिम शरीफ में जिक्र फरमाया सही तरीन हदीस है इसके शवाहद व अतराफ़ और इसकी तखरीज के बाद जो नक्शा सामने आया है उसकी रोशनी में बात पूरी करके मैं आपको बतलाता हूँ मुस्लिम शरीफ में अबू दाऊद शरीफ में तिरमिज़ी में बने माजा में और मुसरत अहमद में दसियों जगह ये हदीस इमाम साहब ने अलग अलग रावियों से नकल फरमाई है ज़िक्र करते हैं कि एक नौजवान यमन से चलकर रसूल अक्रम की खिदमत में आता है और कहता है कि मेरा नाम मुजाहिदीन की फहर जो तैयार हो रही है उसमें लिख लीजिए मैं जंग में जाना चाहता हूँ दीन की खिदमत करना चाहता हूँ अपने रब को राजी करना चाहता हूँ रसूल अक्रम सम ने सवाल किया क्या तुम्हारी वालदा जिंदा है और बाद रवायतों में पूछ अहय वालदा क्या तुम्हारे वालदेन हयात हैं बाद उसने जवाब नहीं दिया फिर यही बात के सामने से आया आपने यही सवाल किया दाई तरफ से आया बाई तरफ से आया बार बार दरखास्त करा मेरा नाम लिख लिया जाए ये और चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं मुझे डर है कि आप मुझे वापस कर देंगे तो उन चीज़ों का जवाब नहीं दे रहा है लेकिन आपने वही सवाल जारी रखा अहय वालदा क्या तुम्हारे वालदे जिंदा हैं कहा कि हाँ जिंदा हैं बाय तुम्हें क्या तुमने उनसे इजाज़त ली है क्या उनसे इजाज़त नहीं ली बाजर भी बयान करते हैं उसने ये भी जिक्र किया कि मैं आया तो वो, वो रोते रह गए रसुलकरम सल्ला वसलम ने फरमाया फी हिमा फाहिद अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो दीन पर चलना चाहते हो अल्लाह की रजामंदी चाहते हो जन्नत में दाखला चाहते हो तो यहाँ नाम मत लिखाओ वापस जाओ वापस जाओ और अपने वालदेन की खिदमत करो यही तुम्हारा जहाद है अल्लाह अकबर आज के ज़माने में जब के लोगों ने लफ्ज़ जहाद को मुस्लिमों ने और गैर मुस्लिमों ने इतना पामाल और इतना बदनाम कर दिया कि एक मुक़दस लफ्ज पामाल होके रह गया है रसूल अक्रम फरमाते फफी हिमा फजाहिद तुम्हारा जहाद यह है कि तुम अपने वाले की खिदमत करो तुम आए वो रोते रह गए जाओ खुमा कमा अब कई तो हुआ जैसे तुमने उनको रुलाया है ऐसे ही उनको हंसाओ उनकी खिदमत करो वापस जाओ अपनी सूरत दिखाओ तुम्हारे फिराक में रोते रह गए तुमको देखकर उनके चेहरे पर खुशी मसरत दोबारा वापस आ जाए अधिक घुमा उनको जाकर हंसाओ तुम्हारा असली जहाद ये है वाल को बेहारो मददगार छोड़कर जहाद में नाम लिखा लेना और ये सोचना कि यह जरिया जन्नत मिलने का सबसे आसान है बहुत बड़ी भूल है बहुत बड़ी भूल है अफसोस आज हमारे जमाने में बहुत सारे घराने एक दो नहीं बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनमें वालिदैन के लिए साल में मुश्किल से एक दो बार कपड़े बनते हैं लेकिन हम बड़ी बड़ी कीमती चादरें गालीचे कब्रों पर चढ़ा कर आते हैं सोचते हैं इससे हमारी नेकियां बढ़ेंगी अल्लाह राज़ी हो जाएगा घर में खुशहाली आएगी ये सब हमारी गलत फहमी अगर ये काम हम वालदे के साथ करते उनको खुश रखते उनके लिए हसब तलब हसब ज़रूरत जैसे अपने लिए कपड़े बताते हैं ऐसे ही उनके लिए बनाते और उनको बेहतर अंदाज में रखते और वो खुश होते और ख़ुश हो के हमें दुआएँ देते रहमतें आती बरकतें आती अल्लाह राजी होता माल और औलाद में बरकत होती मुसीबतें परेशानियाँ दूर भाग जाती लेकिन हम जो तरीका सही है दुरुस्त है उसको अपनाने के बजाय ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसकी कोई शरीयत में गुंजाइश नहीं रसूल अकरम ने हुक्म नहीं दिया कुरान ने जिसके बारे में कहा नहीं और कुरान जिसको ताकीद कर रहा है रसूल जिसकी ताकीद फरमा रहे हैं उससे हमने आंखें मूंद रखी है क्या हो गया है हमें हमारे वालदेन हमारी ज़िंदगी हमारा दीन है हमारी आखरत है हमारी जन्नत है अगर ये राजी है तो अल्लाह राजी है और अगर ये नाराज़ हैं तो अल्लाह भी नाराज़ है जन्नत रूठी हुई है और दीन हमसे बेजार है किसी भी दीन का नहीं है किसी काम का नहीं है वो पैसा वो घर वो वोदे वो तरक्की जो हमारी वालदेन को हमसे जुदा करे बाज़ बहुएँ अपने शोहरों से मुतालबा करती हैं अम्मा को देहात वाले घर में भेज दो वो वहीं पर ठीक हैं यहाँ पर उनके लिए आबो हवा अच्छी नहीं है बहाना है आबो हवा अच्छी ना होने का मकसद ये है ये बूढ़े हो गए अच्छे नहीं लगते और हम फ़ैशनेबल कपड़े पहनकर अपने सहेलियों में अपने यार दोस्तों में आने जाने वालों में ज़रा बंटन कर रहते हैं तो हमारा जो मैार बना हुआ है उस मैार पर ये नहीं उतरते लिहाजा इन्हें भेज दो सैकड़ों बहाने बनाकर ताकि उनकी खिदमत ना करना पड़े ताकि उनकी वजह से गलत सोच जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली है उसकी वजह से हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े भेज दो देहात में बहुत किया तो एक नौकर लगा दिया भाई साहब आप बेटे होकर खिदमत नहीं कर पाए वो बहू होकर खिदमत नहीं कर पाई आप सोचते हो नौकर खिदमत करेगा किसी दिन गला दबा कर भाग जाएगा परवरदिगार हमें और आपको निकमल करने की तोफ़ी अदा फरमाए वालदेन की खिदमत नहायत ज़रूरी है और हमारा समाज उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक हम वालिदैन को उनका वो मकाम नहीं देंगे जिसके वो मुस्तह हैं नाजरीन यहाँ पर हम आते हैं अपने इस एपिसोड के अख्ताम पर अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें